भाई इस मूनाइट एपिसोड में कितना पागलपन है और एंड में जो कटा है ना वो पूछो मत। जैसे जैसे मूनाइट एपिसोड खत्म हो रहा है वैसे वैसे इसकी स्टोरी और भी स्ट्रांग होती जा रही है। तो मूनाइट एपिसोड 4 एक हॉरर फील देता है। तुम नेशनल ट्रेजर या इंडियाना जोन जैसी मूवी देख चुके हो तुम्हें और भी मजा आएगा। पर इंटरेस्टिंग बात है इस सीरीज की ये बेटर है बाकी सीरीज के एमसीयू के अंदर, और ऐसा लगता है कि इस सीरीज के डायरेक्टर को थोड़ी छूट मिली है क्योंकि जब तुम एपिसोड 4 में जब टॉम सब को देखोगे तो काफी रियल लगता है टॉम सब। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर एक रात को रिवाइंड करने पर खोंशु और माँ की पावर चली जाती है। फिर स्टीवन और लायला को मिशन को कंटिन्यू करते हैं ताकि वो एमिड और कबर तक पहले पहुंच सके और एमिड को ले सके। तभी लायला और स्टीवन एमिड की गुफा में हॉरस की आंख की मदद से अंदर जाते हैं जहां एमिड को पत्थर में रखा गया है। उसके बाद ये एपिसोड हॉरर एपिसोड बन जाता है। पर एक बात ध्यान देनी पड़ेगी कि लायला किसी से कम नहीं। फिर हमको पता चलता है कि लायला के फादर अब्दुल्ला को मिशनरी के लोगों ने जान से मार दिया है और मार्क स्पेक्टर विटनेस है। तभी स्टीवन को टॉम में एमिड का पत्थर मिल जाता है ऑथर से पहले, और मार्क लायला को बताता है कि उन्होंने नहीं मारा है उसके फादर को। तभी वहां पर ऑथर एरो आ जाता है जो मार्क को 2 गोली मार देता है, और यहाँ पे ट्विस्ट एंडिंग होता है वो मेरे से मत पूछो। तुम अगर मूनलाइट के फैन बनते जा रहे हो तो इस सीरीज में रुक जाओ। बताते हैं कि सब मार्क के दिमाग की एक स्टोरी है। फिर हम देखते हैं कि पूरा मूनलाइट सीरीज का पूरा कैरेक्टर जो इस मेंटल असाइलम में है जहाँ पे स्टीवन के बॉस को देख सकते हैं, साथ ही स्टैचू वाले आदमी को जिसे स्टीवन फर्स्ट एपिसोड में बात करता है, एंटनी बोगार्ट के बॉडीगार्ड को देख सकते हैं, साथ ही कपकेक को देख सकते हैं, और बहुत कुछ है इस मेंटल असाइलम में। इस एपिसोड में ऐसा ट्विस्ट आएगा कि हम सोचे नहीं थे, पर ये और भी एक्साइटमेंट बढ़ा रही है मूनलाइट एपिसोड 5 की तरह। और साथ ही एपिसोड में मार्क को जो हाल में दिखाया जिसके कारण इसकी अंदर के पर्सनैलिटी को एक टॉम में देख सकते हैं, और एक टॉम को मार्क और स्टीवन देखता है, और ये इशारा था मार्क की थर्ड पर्सनैलिटी जैक लॉकली की तरफ। और एंड में हम देखते हैं इजिप्शियन हिप्पो गॉड और उसके बोलने पर मार्क और स्टीवन डर कैसे जाते हैं। देखो जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इसकी स्टोरी और भी स्ट्रांग होती जा रही है, और साथ ही सीरीज के लिए बनाया गया सेटअप काबिले तारीफ है। तुम मेंटल असाइलम को देख लो या फिर टॉम सबको, इस सीरीज की स्टार्टिंग में अभी तक के सिनेमैटिक शॉट देखने को मिला है और वो काफी जबरदस्त दिखता है। इस एपिसोड में जब लैला और स्टीवन एमिड के कवर की तरफ जाते हैं तो हम एक बकरे को देख सकते हैं, साथ ही एपिसोड की स्टार्टिंग में एक स्कैरब बीटल इंसेक्ट को भी देख सकते हैं, और ये एक तरह का इजिप्शियन पेट हो सकता है या फिर एक इजिप्शियन गॉड। इस एपिसोड में हीका प्रिश को दिखाया गया जो बहुत खतरनाक दिखता है, खासकर लैला को खींच के ले जाने वाले सीन में, और लैला अकेले ही हीका को मार देती है, और ये सीन देखने के बाद मैं हैरान हो गया। ओवरऑल यार मूनलाइट एपिसोड 4 इतना भी ऑसम नहीं लगता है, लगता है जैसे एपिसोड 3 खत्म हुआ और वैसे ही एपिसोड 4 स्टार्ट हो गया। पर बेटर है एपिसोड 3 से, और शायद आने वाले एपिसोड में हम एमसीयू के कैरेक्टर देखने को मिल जाए। आई होप यू गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मूनलाइट एपिसोड 3 के लिए लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और मूनलाइट एपिसोड 2 का ब्रेकडाउन देखना तो राइट वाली वीडियो देख सकते हो। साथ ही थॉर एंड लव थंडर का टीजर का ब्रेकडाउन किया है जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर सकते हो। साथ ही वहाँ मूनलाइट एपिसोड 1 का भी ब्रेकडाउन किया है तो जाके चेकआउट कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू।